जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक दी जाती है, और वह भी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है। सामान्यतः कुंडली संस्कृत भाषा में बनाई जाती है, लेकिन एपी की वाणी के चैनल पर आपको केवल और केवल हिंदी में विस्तार पूर्वक कुंडली बनाकर दी जाती है। या फिर आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक सभी जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। और जब आप केपी की वाणी से विवाह कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, किस क्षेत्र में कार्यरत होगा, संतान कितनी होंगी, महादशा किसकी चल रही है, कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं और धन की स्थिति क्या रहेगी, इसके अलावा स्वास्थ्य, चरित्र, अनुकूलता, कैरियर और कारोबार, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते। तो दोस्तों, आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। वहीं अगर आप अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप अवश्य ही संपर्क करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका जो है भविष्य कैसा रहेगा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी हो सकती है, नक्षत्र के अनुसार से करियर या कारोबार में क्या करना उचित रहेगा, इसके अलावा विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, आपका चरित्र कैसा रह सकता है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में आपको उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग दिसंबर के महीने में बन रहे हैं, और यह जानकारी जन्मदिन के आधार पर रहेगी। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है और चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो इन 6 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए ये जानकारी शुभ रहेगी, मंगल रहेगी। तो आइए इसके बारे में बिना वक्त गवाए पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको मैं उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके सगाई शादी के योग दिसंबर महीने में 100% बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर गोचर कर जाएंगे धनु राशि में, और जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो फिर जातक के लिए जो है विवाह के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो खरमास लग जाता है, और खरमास में विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। तो फिर 14 जनवरी तक खरमास रहेगा और उसके पश्चात फिर विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो दिसंबर के महीने में जो विवाह मुहूर्त है कुछ इस प्रकार से है, 2 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है और द्वितीया है, मूल नक्षत्र है। इसके अलावा फिर 3 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, और विवाह मुहूर्त जो है सुबह 6:58 से लेकर 1:13 तक है, और फिर दोपहर 1:14 से लेकर 3:08। इसके बाद जो है 4 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 4 दिसंबर को विवाह मुहूर्त जो है वो संध्या काल 5:15 से लेकर देर रात 1:02 है, और यह जो तिथि है वो 2 दिसंबर की है और 4 दिसंबर की और चतुर्थी है। वहीं 5 दिसंबर के दिन भी विवाह मुहूर्त है, पंचमी तिथि है, और दोपहर 12:49 से लेकर 5:26 तक शुभ मुहूर्त है। इसके पश्चात 10 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, रेवती नक्षत्र पड़ रही है इस दिन, और इसके बाद एकादशी नक्षत्र भी है, 11 तारीख को एकादशी तिथि भी है, तो 10 और 11 तारीख दोनों दिनों जो है विवाह मुहूर्त है, और फिर 13 और 14 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है। उसके पश्चात सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 15 दिसंबर को सूर्य जो है धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो 2 तारीख
तीन तारीख, चार तारीख, पांच तारीख, दस तारीख, ग्यारह तारीख, तेरह तारीख और चौदह तारीख, तो आठ दिनों तक विवाह मुहूर्त है दिसंबर के महीने में। हालांकि यह जो जानकारी आपको दे रहे हैं यह चार घंटे से अधिक विवाह मुहूर्त के लिए है। आप अन्य तिथियों के लिए स्थानीय ज्योतिष से अवश्य सलाह लें, अपने कुल के पंडित से अवश्य सलाह लें और फिर तिथि निर्धारित कर सकते हैं, इसको ही अंतिम न माने। आइए मैं आपको उन छह राशियों की जानकारी दे देता हूँ। तो प्रथम जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातक के लिए जो है शुभ योग है दिसंबर के महीने में। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं, 25 वर्ष से अधिक आयु है, आपके लिए विवाह के योग हैं। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो एल नाम के जातक, जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। अब कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एच नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है ललिता, गरिमा, मोनी, लक्षिता आदि नामों से हो सकती है। आसान शब्दों में कहे तो एल जी एम नाम के जातक से हो सकती है। वहीं अगर आप एच नाम की लड़की हैं तो लव, ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र आदि नाम से आपके विवाह के योग बन रहे हैं और दिसंबर के महीने में विवाह की संभावना प्रबल है। वहीं मेष राशि से जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातक के लिए भी दिसंबर के महीने में विवाह का मुहूर्त है। अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है, तो आपके लिए शुभ योग है अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। तो सिंह राशि के जातकों का नाम अक्षर एम से होता है। अगर आपका नाम अक्षर एम से है तो आपकी सिंह राशि होगी। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो एम नाम के जातक के, एम नाम के नाम के, एस नाम के, जी नाम के जातक के साथ विवाह के योग प्रबल रहते हैं। अगर आप नाम अक्षर से देखें तो अगर आप एम नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी सुधा, शिखा, कल्पना, किरण, मोनी, मोहिनी आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एम नाम की लड़की हैं तो संजीव, कार्तिक, महेश, महेंद्र, शेखर आदि नाम से हो सकती है अगर आप एम नाम के जातक हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो तीसरी राशि तुला राशि है। आर नाम के जातक हैं। अगर आपका नाम अक्षर आर है, जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, जन्म कुंडली ज्ञात नहीं है, बनी नहीं है, तो भी आपके लिए शुभ योग है। वर्तमान समय में ग्रह स्थिति के अनुसार भी आपकी राशि में कोई दोष नहीं लगा है। अब बात करें अगर नाम अक्षर की, तो जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके विवाह के प्रबल योग है। अगर बात करें नाम अक्षर की, तो अगर आप आर नाम के जातक हैं तो आपकी जो शादी है वो गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप आर नाम की लड़की हैं तो आपकी जो शादी है गणेश, मनीष, महेश, महेंद्र, मोहित, तिलक, टिंकू आदि नाम से हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक की। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि के जातक है। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए ग्रह स्थिति से भी और जन्मदिन से भी दिसंबर के महीने में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक का नाम अक्षर एन और वाई से होता है। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी जो शादी है, अगर आप एन नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है सीता, संगीता, ईसा, सोहिनी, सुहाना आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एन नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है लड़की है तो सोनू, शेखर, तिलक, शुभम आदि नाम से हो सकती है। तो एन नाम के जातक, वाई नाम के जातक के विवाह के योग दिसंबर के महीने में प्रबल है और आपकी शादी 100% हो सकती है, क्योंकि जन्मदिन के अनुसार से, ज्योतिषीय गणना के अनुसार से वृश्चिक राशि के जातक के दिसंबर महीने में विवाह के योग रहते हैं। अब अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। 20 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य जो भी धनु राशि के जातक रहते हैं उनके लिए विवाह के योग दिसंबर महीने में अवश्य ही बनते हैं। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो दिसंबर के महीने में भी आपके लिए शुभ योग बन सकता है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक इसके अलावा आर नाम के जातक से आपके विवाह के योग प्रबल है। हालांकि मेष राशि के जातक यानी ए नाम के जातक, एल नाम के जातक, ई नाम के जातक से विवाह के योग अधिक है। बात करें दिशा की, तो धनु राशि के जातकों के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग रहते हैं। और अंतिम जो राशि है वो कुंभ राशि के जातक है। कुंभ राशि के जातक के लिए भी जो है दिसंबर के महीने में विवाह के योग बन रहे हैं और इस राशि के जातक के दिसंबर के महीने में विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि के जातक अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो अभी 7.5 से पीड़ित हैं, तो इसकी संभावना अधिक है कि किसी न किसी कारणवश से आपकी विवाह में देर हो सकती है या बाधा आ सकती है। लेकिन आप चिंतित ना रहें, क्योंकि 29 मार्च के बाद जब शनिदेव आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तब आप पर 7.5 का अंतिम चरण चलेगा और
उस दौरान आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति फिर से प्राप्त हो सकती है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनके विवाह के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, आर नाम के जातक, पी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ विवाह के योग रहते हैं। अगर बात करें अगर आप एस नाम के लड़के हैं तो अनीता, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एस नाम की लड़की हैं, पवन, प्रकाश, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ, रंजीत आदि नाम से विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता दें 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज की संभावना नहीं रहती है। बाकी अन्य दिनों में जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग प्रबल रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए ही इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहे गुरु, हर हर महादेव।